जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम कीर्तन की महिमा, यह गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से लिया गया है कि सतयुग में श्री विष्णु के ध्यान का जो फल होता है, त्रेता में उनके लिए किए जाने वाले यज्ञ का जो फल होता है और द्वापर में उनकी परिचर्या से जो फल होता है, कलयुग में श्री हरि के कीर्तन से वही फल प्राप्त होता है। हरि कीर्तन से यद्यपि श्री हरि के नाम, रूप, गुण, लीला आदि सभी का बोध होता है, तथापि इससे नाम कीर्तन ही विशेष रूप से समझा जाता है। हम नाम कीर्तन की महिमा के विषय में शास्त्रों में स्थान स्थान पर वचन प्राप्त करते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री हरि के जिस किसी नाम का कीर्तन ही नाम कीर्तन कहलाता है, पर 32 अक्षरों वाले तारक ब्रह्म हरि नाम कीर्तन का प्रचार ही सबसे अधिक है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के एक प्रहर व्यापी, अष्ट प्रहर व्यापी, 24 प्रहर व्यापी कीर्तन होते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुवर्ष व्यापी अखंड नाम कीर्तन भी कहीं कहीं चल रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण, सीताराम, राधेश्याम, रघुपति राघव, राजा राम, गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि नामों के कीर्तन विविध प्रकार से स्थान स्थान पर होते रहते हैं। यह नाम कीर्तन जैसे संसार समुद्र से तरने का उपाय है, वैसे ही यह संसार वियुक्त सिद्ध महापुरुषों के लिए उपभोग्य फल स्वरूप भी है। वे लोग इस नाम गान के द्वारा ही कालक्षेप किया करते हैं, यही उनकी वाचिक भगवत सेवा है। शास्त्र कहते हैं कि नामी से नाम बड़ा है। अलवार कहते हैं कि नाम सुवर्ण के आभूषण के तुल्य है, जिसका जब इच्छा हो तभी व्यवहार किया जाता है, और नामी है सुवर्ण पिंड के समान, जिनका व्यवहार उन्हें व्यवहार के उपयोगी बना लेने पर ही किया जा सकता है। नाम की यह महिमा नामी का ही संकल्प है। नामी ने ही महान कृपा करके नाम में इस महाशक्ति को निहित कर दिया है। श्री भगवान जब भक्त के मुख से आर्त भाव से इस नाम गान का श्रवण करते हैं, तब वे उसके चिर ऋणी हो जाते हैं। सभा में दुशासन के द्वारा वस्त्र खींचे जाने पर जब द्रौपदी ने हा गोविंद कहकर उन्हें पुकारा था, तब द्रौपदी की इस पुकार ने श्री कृष्ण को ऋणग्रस्त कर दिया था। नामी की इतनी महिमा नाम के संकल्प से ही है। इस तथ्य को हम रहस्य वेत्ता सिद्ध महापुरुषों के आचरण के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाता है। प्रायः 40 वर्ष पहले की घटना है। सिद्ध पुरुष श्री श्री बलराम स्वामी जी महाराज की अति प्रवृद्ध अवस्था थी। 85-86 वर्ष का वह क्रम था। उस समय वे अयोध्या के श्री श्री विजय राघवाचार्य जी महाराज के आश्रम में गद्दी के अधीश्वर थे। वे आश्रम में बीमार हो गए थे। लेखक उस समय उनके पास रहता था। इस रोग नाश के लिए प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाते थे। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर एक सामान्य साधु उनके दर्शनार्थ आए। कुछ देर बैठने के बाद साधु ने श्री स्वामी जी से पूछा, आज आप कैसे हैं? श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, आज 2 दिनों से कुछ ठीक हूँ। साधु ने कहा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कितने दिनों से चल रहा है? श्री स्वामी जी ने कहा, आज 10 दिन हो गए। साधु ने पूछा, कुछ दिन और पाठ होने पर आप पूर्ण निरोग हो जाएंगे? श्री स्वामी जी महाराज ने यह सुनकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिया।
कुछ देर ठहर कर साधु जी लौट गए। उनके चले जाने के बाद श्री स्वामी जी महाराज ने आश्रम के अधिकारी जी को बुलाकर कहा, कल से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बंद करा देना। उनका यह आदेश सुनकर सभी विस्मित व स्तब्ध हो गए। इस विपरीत निर्देश का कुछ भी कारण हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों ने सोचा, नाम की महिमा तो सभी शास्त्रों ने गाई है। नाम और नामी में अभेद होने पर भी नामी से नाम बड़ा है। फिर श्री स्वामी जी महाराज ने श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बंद क्यों करवा दिया? इस प्रकार एक महान प्रश्न सभी के मन में जाग उठा, परंतु इस संबंध में श्री स्वामी जी से पूछने का साहस किसी का नहीं हुआ। सभी चुप थे। तब अंतर्यामी रूपी श्री स्वामी जी स्वतः ही कहने लगे, मेरी बीमारी के लिए श्री मंदिर में श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की व्यवस्था की गई है, परंतु साधु महात्मा पहले ही यह कह गए कि कुछ दिन पाठ और होने पर मैं पूर्ण रूप से निरोग हो जाऊंगा। इससे उनका यही सिद्धांत निश्चित है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ही इस रोग नाश का कारण है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम रोगी को रोग मुक्त करता है, इसमें संदेह के लिए जरा भी अवकाश नहीं है। इसीलिए तो सहस्त्रनाम पाठ की फलश्रुति में आया है, रोगार्तो मुच्यते रोगात्। नाम की महिमा, नाम का वैभव जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वह सभी सत्य है, किंतु नामी के विधान से ही नाम की यह महिमा है। सभी फलदान के आदि उत्स हैं स्वयं श्री भगवान, उनकी प्रसन्नता और उनका अमोघ संकल्प, शिष्ट जनों के स्वीकृत इस सिद्धांत को तुम लोगों के मनों में दृढ़ करा देने के लिए ही मैंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बंद करवाया है। मैं फिर पाठ आरंभ करूँगा। नाम कीर्तन या नाम पाठ का उद्देश्य है श्री भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। उनकी प्रसन्नता ही काम्य फल प्रदान करेगी। इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि रखना तुम सबका एकांत कर्तव्य है। शास्त्र सिद्धांत का यथार्थ रहस्य समझ पाना हम लोगों के लिए सहज नहीं है। मर्मज्ञ सिद्ध महापुरुषों की हृदय गुहा में ही धर्म का यथार्थ तत्व निहित रहता है। उस तत्व का वास्तविक रूप प्रकट होता है। महात्माओं के कार्य से, उनके आचरण से, भगवान वासुदेव के कीर्तन से रहित जो मुहूर्त या क्षण बीतता है वही महान हानि है, महान छिद्र है, मोह है और वही विभ्रम है। जय श्री राधे।